हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करें। हेलो दोस्तों, सबसे पहले विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव आपको रख लेनी है, जिसके अंदर विंडो 7 या 10 या 11 जो भी आप डालना चाहते हो उसकी आईएसओ फाइल की एक कॉपी उसमें फेस्ट होनी चाहिए। मतलब विथ आईएसओ फाइल नहीं, उसकी जो अंदर की फाइलें होती है वो उसमें फेस्ट होनी चाहिए। या आप सीडी डीवीडी से उसमें डालना चाहते हो तो सीडी डीवीडी की एक कॉपी उसमें होनी चाहिए। तो कंप्यूटर में पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी लगा के रखना है से आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले कंप्यूटर को पावर ऑफ से आपको पावर ऑन करना है। पावर की प्रेस करने के बाद में, जैसे कि मैं ये पावर ऑन कर रहा हूँ कंप्यूटर को, और उस टाइम पे आपको बूट की प्रेस करनी है। जैसे पावर ऑन होता है बूट मेन्यू के लिए बूट की प्रेस करनी है। जैसे इसमें मैंने अभी F12 और दोस्तों ये आपको पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी जिससे भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं विंडो वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यूएसबी से, तो मैंने यूएसबी सेलेक्ट करके इंटर कर दिया है और ये विंडो की जो फाइलें हैं वो लोड होने लग गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, ये विंडो स्टार्टिंग हो रहा है अभी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेने के बाद में ये आपके सामने ये अगली विंडो आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इंग्लिश करके यूएस कीबोर्ड करके नेक्स्ट कर देना है और फिर नेक्स्ट जो टैब है इस पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो इसमें नीचे लेफ्ट हैंड साइड में रिपेयर का भी ऑप्शन है, रिपेयर पर क्लिक कर सकते हो आप। हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं बिल्कुल नया विंडो, तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, जैसा कि अभी आप मैंने किया। और थोड़ी देर के बाद में ये विंडो आ जाएगी, आपको इस पे टिक मार्क करके नेक्स्ट कर देना है। ये वाली विंडो आ जाएगी, इसको आपको टिक मार्क करके नेक्स्ट कर देना है और आपको कस्टम एडवांस पे क्लिक करना है। कस्टम एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप में दोस्तों ये ड्राइव ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप चाहे तो इसको डिलीट करके नए क्रिएट करना कर सकते हो। इसमें ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करके, मेरा ऑलरेडी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डेटा है तो मैं पार्टीशन 1 को फॉर्मेट करके वापस से मैं इसी में विंडो इंस्टॉल करूँगा। तो आपको अगर डिलीट करना है तो इसमें डिलीट का भी ऑप्शन है, नया बनाने पार्टीशन तो न्यू पे क्लिक करके आप पार्टीशन भी नया बना सकते हैं। जैसा कि देखा मैंने पार्टीशन 1 को फॉर्मेट कर दिया है, मैं किसी भी ड्राइव को डिलीट नहीं करूँगा और दूसरे पार्टीशनों को मैं फॉर्मेट नहीं करूँगा। ओनली जिसमें मेरे को विंडो इंस्टॉल करना है उसी को मैंने फॉर्मेट किया है। आप चाहो तो डिलीट करके नए सिरे से नए पार्टीशन बना सकते हो और उसमें ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखे कि जो फर्स्ट पार्टीशन है उसी में विंडो इंस्टॉल करें। तो जैसा कि मैंने पार्टीशन 1 को फॉर्मेट कर दिया है और मैं इसके आगे इसको नेक्स्ट करूँगा, ये मैंने नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में ये विंडोज़ की जो फाइलें हैं वो कॉपी हो गई है और ये एक्सपेंडिंग विंडो फाइल हो रही है। इसमें कुछ 10-15 मिनट ले सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है और किस चीज़ से आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। सीडी डीवीडी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पेन ड्राइव से थोड़ा फास्ट इंस्टॉल हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, इससे डरे नहीं, वो वहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे ये चलने के बाद में स्टेप बाय स्टेप ये इसके फाइलें कॉपी होने के बाद में एक्सपेंडिंग विंडो फाइल्स के बाद में इसके विंडोज़ के जो भी कुछ फीचर है उनको इंस्टॉल कर रहा है और उसके बाद में जो भी कुछ अपडेट है वो इसने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब ये जो लास्ट स्टेज है उस पर चल रहा है और इसके बाद में ये चाहो तो आप इसको फिर मैनुअली रिस्टार्ट कर सकते हो या ये 10 सेकेंड में ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये रिस्टार्ट होता है दोस्तों, ध्यान में रखे पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी आपको निकाल लेनी है या जो हार्ड डिस्क है
उसी से आपको बूट करवाना है, मतलब जिसमें आपने विंडो इंस्टॉल किया है उसी से आपको ये बूट करवाना है। ऐसा नहीं है सीडी डीवीडी से बूट करवा दिया तो वापस वो नई सीरीज से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें ये सेटअप स्टार्ट हो रहा है रिस्टार्ट होने के बाद में, तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। और ये कुछ पेंडिंग इसके जो सेटअप फाइल वगैरह है इनको ये कंप्लीट कर रहा है, जो लास्ट स्टेज है उस पर कंप्लीटिंग मोड पे चल रहा है ये। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके ये अभी नेक्स्ट विंडो पे पड़ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हो आप विंडो में। दोस्तों आप डरे बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आप सिंपली विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको पूरा समझना है तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, पूरा वीडियो देखें तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा कंप्लीट देखें तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे विंडो कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हो ये विंडोज़ के जो भी फीचर वगैरह है अपडेट वगैरह है ये इंस्टॉल हो गए हैं। लास्ट इसकी जो स्टेज है कंप्लीट वो चल रही है। अभी ये कुछ टाइम के बाद में ये अभी नेक्स्ट ट्रिप पे आ जाएगा। ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है और फिर से ये कंप्यूटर एक बार रिस्टार्ट होगा। ये कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे भी दोस्तों पेन ड्राइव सीडी ड्राइव से इसको बूट नहीं करवाना है, हार्ड डिस्क से बूट करवाना है। तो हार्ड डिस्क से इसको बूट करना है ये ध्यान रखना है। ये सेटअप प्रिपेयर हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम जो विंडो इंस्टॉल होके स्टार्ट होता है तो ऐसे ये सेटअप प्रिपेयर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ें चेक कर रहा है। यहाँ पे आप जो अपना कंप्यूटर का नाम रखना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, जो टाइप यूजर नेम जो यूजर का आप जिससे लॉगिन होगे विंडो में उसका आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो आप अपनी मन मर्जी से रख सकते हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो। और इसमें जो नीचे दिस कंप्यूटर का जो नाम है उसमें आप कंप्यूटर नेम जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ये यहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, आप चाहे तो इसको ब्लैंक रख सकते हो, खाली रख सकते हो, चाहो तो आप अपना पासवर्ड लगा सकते हो। ये इसकी विंडोज़ की जो की होती है उसके लिए पूछ रहा है, तो आप चाहे आपके पास में अगर की है तो की डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। और यहाँ पे ये पूछ रहा है आप इस पर कुछ इसकी जो सेटिंग है नेसेसरी वो आप करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इसका टाइम जोन है जो अपने इंडिया का वो सिलेक्ट कर लेना है 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली नाम पे जो होता है सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये कुछ टाइम लेगा और ये विंडो वेलकम करेगा आपको, बिल्कुल फ्रेश विंडो प्रिपेयर हो रहा है, आपका डेस्कटॉप वगैरह क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड लेगा और आपका ये विंडो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों ऐसे टाइप के नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।